पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, जिस आदमी को पूरी जानकारी रहती है यात्रा का, केवल ढोंग करते हैं, उनको मालूम ही था कि चुनाव का डिक्लेरेशन होना है तो काय करता, और जनता के बीच में जाने से डरते हैं, तो इसलिए हमेशा हर बार कोई ना कोई बहाना बना के, ये विदेश यात्रा में तो कोई दिक्कत नहीं आती उनको, लेकिन बिहार यात्रा पर जब भी जाते हैं बीच में ब्रेक लग जाता है, क्योंकि जनता और कार्यकर्ता को फेस करने की हिम्मत नहीं है तेजस्वी यादव को। कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि जब जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने की बात आती थी उस समय वो लगातार पलायन कर जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की यात्रा कल ही शुरू हुई थी और आज तेजस्वी यादव को अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ी है, जिसके बाद सियासी बवाल मच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव ने अचानक ही अपनी यात्रा बीच में क्यों रोक दी। दरअसल तेजस्वी यादव की यात्रा की कल शुरुआत तो हुई थी, लेकिन अब उन्हें झारखंड जाना है। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और सबसे बड़ा मुद्दा है सीट शेयरिंग का मुद्दा। सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला तय किया जाएगा, इस पर फैसला होना है। इसी के मद्देनज़र तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा स्थगित की है और कल वो दो दिवसीय दौरे पर झारखंड जा रहे हैं और 19 अक्टूबर को राहुल गांधी और हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। लेकिन इसको लेकर अब एनडीए ने तेजस्वी यादव को घेरना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में मंत्री नितिन नवीन का बयान सामने आया है, जिस पर तेजस्वी यादव पर जबरदस्त निशाना साधते नजर आए और कहा है कि ये तो सबको पहले से पता था कि झारखंड में चुनाव होने हैं, सीट शेयरिंग होनी है, तो क्या तेजस्वी यादव को अपनी यात्रा इसके बाद नहीं शुरू करनी चाहिए थी। तेजस्वी यादव जनता को गंभीरता से नहीं लेते हैं, इसीलिए कभी यात्रा शुरू करते हैं तो कभी स्थगित कर देते हैं। इस मुद्दे पर और क्या कुछ कह रहे थे मंत्री नितिन नवीन, उनका ये बयान सुने। देखिए, जिस आदमी को पूरी जानकारी रहती है यात्रा का, केवल ढोंग करते हैं, उनको मालूम ही था कि चुनाव का डिक्लेरेशन होना है तो काय करता, और जनता के बीच में जाने से डरते हैं, तो इसलिए हमेशा हर बार कोई ना कोई बहाना बना के, ये विदेश यात्रा में तो कोई दिक्कत नहीं आती उनको, लेकिन बिहार यात्रा पर जब भी जाते हैं बीच में ब्रेक लग जाता है, क्योंकि जनता और कार्यकर्ता को फेस करने की हिम्मत नहीं है तेजस्वी यादव को। कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि जब जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने की बात आती थी उस समय वो लगातार पलायन कर जाते हैं, और जब राजनीति करने की विषय आती है तो जनता के बीच में आने का प्रयास करते हैं, तो जनता भी खोजते रहती है ऐसे लोगों को। बिहार झारखंड में चुनाव है, दोनों में जीत का दावा कर रहे हैं आरजेडी के लोग। आरजेडी के लोग तो पिछले बार भी 12 तारीख को 12 फरवरी को भी दावा किए थे कि बहुत बड़ा खेला होने वाला है, क्या खेला हुआ पता चल रहा है, अभी ईडी शिकंजा कस रही है। ऐसे ऐसे जो लोग राजनीति में खेला करने वाले लोग हैं उनके साथ जनता बढ़िया से खेलती है, और अभी भी जो हरियाणा में अभी तो बहुत बड़े उनके परिवार के लोगों ने भी बहुत बड़ा वहाँ हुंकार भरा था, क्या हुआ, जमीन धूल चाटनी पड़ी। और झारखंड और महाराष्ट्र में भी निश्चिंत रहिए, जितने इंडी अलायंस के लोग हैं यहाँ भी धूल चाटेंगे, तो मिली है हम लोग को भी, और निश्चित रूप से प्रशासन को तत्परता से कार्रवाई करेगी। जहाँ जहाँ पर ऐसे लोग जो भी इसमें संलिप्त है, निश्चित रूप से जिन लोगों पर कि इसमें संलिप्तता रही उनको छोड़ा नहीं जाए। प्रशासन की भी लापरवाही मानते हैं, अगर जहाँ भी अगर उनके उनके उस स्तर पर भी अगर लापरवाही होगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत की खबरें सामने आई है, जिसको लेकर सियासी बवाल भी मच गया है और मंत्री नितिन नवीन का भी ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है जिन लोगों के लापरवाही के कारण ये घटना हुई है उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। अगर प्रशासन की गलती के वजह से भी ऐसी घटना हुई है तो प्रशासन भी नहीं बच पाएगा, कार्रवाई हर किसी पर होगी, ये ऐलान मंत्री नितिन नवीन ने कर दिया है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव के यात्रा स्थगित करने को लेकर मंत्री नितिन नवीन का ये बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की यात्रा की शुरुआत कल ही हुई थी और आज उन्हें अपनी यात्रा स्थगित करनी पड़ रही है। आज वो पटना लौट रहे हैं और कल दो दिवसीय दौरे पर झारखंड जाने वाले हैं, राहुल गांधी और हेमंत सोरेन से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर मुलाकात करने वाले हैं। और अब नितिन नवीन ने जबरदस्त तरीके से निशाना साधते हुए कह दिया है कि तेजस्वी यादव जब विदेश जाते हैं तब कभी भी उनकी यात्रा स्थगित नहीं होती है, लेकिन उन्हें भी पता था कि झारखंड में चुनाव होने हैं, ऐसे में वो क्यों यात्रा पर निकल गए। दरअसल तेजस्वी यादव में हिम्मत ही नहीं है कि वो कार्यकर्ताओं को जनता का सामना कर सके, इसीलिए तेजस्वी यादव अपनी यात्रा बार बार स्थगित करते रहते हैं। इस मुद्दे को लेकर मंत्री नितिन नवीन और क्या कुछ कह रहे थे ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।